नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 में। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान, हाजिर हूं उत्तराखंड की खबरों को लेकर। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह हरिद्वार पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने किसान बचाओ खेती बचाओ रैली का आयोजन किया, जिसमें कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि केंद्र सरकार ने किसानों का शोषण किया है और किसानों की इस लड़ाई को कांग्रेस पार्टी लगातार लड़ती रहेगी जब तक कि किसानों को इंसाफ नहीं मिल जाता। इसी तरह से जगह जगह पर विरोध प्रदर्शन किए जाते रहेंगे। देखिए, आज का जो कार्यक्रम है वह है कांग्रेस पार्टी के द्वारा किसानों को बचाने की एक मुहिम है। जिस प्रकार से भाजपा के शासन में देश के लगभग प्रत्येक वर्ग का खून चूसने का काम किया जा रहा है, किसानों के हितों के विपरीत एक काला कानून जो है इस देश के अंदर लाने का काम, किसान उस काले कानून के विरोध में सड़कों पर उतर करके धरना प्रदर्शन चक्का जाम करने का काम कर रहा है और साथ ही साथ जो है रेल रोको का भी काम कर रहा है। आवश्यकता तो बहुत बड़ी है। भारत सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो एक नया किसान का बिल पास किया है, जो कानून बनाया है, वो किसान के कहीं से कहीं भी हित में नहीं है और जिसका असर अब दिखाई दे रहा है। आज उत्तराखंड के अंदर धान की जो फसल पककर तैयार हो गई है, कोई उसको खरीदने को तैयार नहीं है। सरकार की तरफ से उसे कोई नहीं खरीद रहा है। थराली के मध्य पिंडर रेंज के कंपार्टमेंट नंबर 8-9 में पिछले 3 दिनों से आग लगी हुई है। इस अग्नि में लाखों रुपए की वन संपदा जलकर खाक हो गई। वहीं कई गांव के चारा पत्ती और घास भी इस आग की भेंट चढ़ गए हैं। वन विभाग अभी तक आग बुझाने नहीं पहुंच पाया है। आग लगने की सूचना स्थानीय लोगों ने वन विभाग को दे दी है। वहीं DFO बद्रीनाथ आशुतोष सिंह ने बताया कि आग लगने की सूचना उनको मीडिया कर्मियों के द्वारा दी गई है, तत्काल ही कर्मचारियों को भेजा जाएगा। कोटद्वार के वार्ड नंबर 37 में लोक निर्माण विभाग के द्वारा बनाई गई सड़कों पर लोगों ने घटिया निर्माण का आरोप लगाया है। लोगों का कहना है कि सड़कों को मानक के विपरीत बनाया गया है, साथ ही उसमें गुणवत्ता का ख्याल भी नहीं रखा गया है। लोगों ने सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता शिशुपाल रावत ने भी सरकार पर भ्रष्टाचार में डूबने का आरोप लगाया है। ऐसा है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के पास ये विभाग है और सड़क के जो मानक होते हैं सड़क निर्माण के, मैं तो समझता हूँ कि वो मानक कहीं भी पूरे नहीं हो रहे हैं। आप गुणवत्ता देखिए सड़कों की, थोड़ा सा उस पर चल के देखिए, आपको पता चल जाएगा कि सड़कों का निर्माण का स्तर क्या है। हाँ, मैं ये कहना चाहती हूँ, जैसे मुझे मीडिया से भी पता चला कि वार्ड नंबर 37 में भी जो सड़कों का निर्माण कर रहे हैं, बहुत ही जो उसकी क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। जैसे कि हमें पता चला कि ये जायसवाल कंस्ट्रक्शन कंपनी है, इसके द्वारा ये काम हो रहा है, इसके ठेकेदारों द्वारा ये काम हो रहा है, तो जो उसकी गुणवत्ता है वो बहुत ख़राब है। वो साल भर छोड़ो 2 महीने भी वो सड़क नहीं चलेगी। मैं क्या कहूँगा भ्रष्टाचार के बारे में, उनके खुद के विधायक पूरण पड़त्याल ने कही है कि भ्रष्टाचार चरम पर है और वो भी खास करके PWD में। आज पूरे क्षेत्रों से कार्यकर्ता कई तरह से नाटक करके दिखा रहे हैं कि जहाँ जहाँ डामरीकरण हो रहा है वहाँ पर जो है कि डामर साथ साथ में उखड़ता जा रहा है। बहुत ही घटिया क्वालिटी का जो है सड़कें बन रही है यहाँ पर। कल मैंने जे साहब को फ़ोन किया था, ममगैन जी को, और ममगैन जी आए थे और उन्होंने यहाँ पे जो ठेकेदार का आदमी काम कर रहा था उसको भी कहा गया था कि भाई ये इतना बारीक जो है, ये जो 65 mm की जो है, पहले लैच में 65 mm की जो है इसमें तोड़ के डालो और इसको हटाओ, लेकिन फिर भी ठेकेदार की इतनी हिम्मत है कि उसने नहीं हटाया और उसी के ऊपर ये रूलर चला दिया। यमकेश्वर विधानसभा में मेजर जनरल पद से रिटायर हुए चंद किशोर चखमोला ने राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस और BJP को जमकर कोसा। उनका कहना है कि दोनों पार्टियों ने प्रदेश की जनता को छलने का काम किया है। उनका ये भी कहना है कि उत्तराखंड में एक नया विकल्प चुनने की जरूरत है कि अगर सिस्टम भ्रष्ट न हो, अगर नेता हमारे अच्छे हों, हमारी लीडरशिप ठीक हो, तो सब कुछ ठीक हो सकता है। ऐसा बिल्कुल नहीं कि हम किसी से पीछे हैं। हमारे पास बेस्ट ऑफ द ब्रेन है। गढ़वाली ब्रेन को इतना बढ़िया ब्रेन समझा जाता है। आज देखिए टॉप जो देश की जगह हैं वहाँ पे हमारे पौड़ी गढ़वाल के लोग बसे पड़े हैं, पर आप देखिए गढ़वाल वैसा का वैसा ही है। तो ये मुझे लगता है कि अगर व्यवस्था ठीक हो जाए, हमारी लीडरशिप ठीक हो जाए, तो सब कुछ ठीक हो सकता है। द्वारीखाल के ब्लॉक प्रमुख महेंद्र राणा की अध्यक्षता में जन समस्याओं के निवारण के लिए बैठक की गई, जिसमें कई समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया गया। उन्होंने अधिकारियों को कहा है कि ग्रामीणों की समस्याओं को दूर करने में कोई भी लेट लतीफी न हो। इस दौरान पंचायतों और महिला मंगल दलों को सम्मान चिन्ह भी दिए गए। मेरा लड़का की सरकारी नौकरी था ही नहीं, बेटा मेरे को 60 साल से 8 रुपए से पेंशन मिलती थी। अच्छा, 400 हुए बंद हो गई। अच्छा, कितने सालों से पेंशन नहीं मिली आपको? 2 साल पूरे हो गए। 10 बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा कार्यक्रम हमारे द्वारीखाल ब्लॉक में पहली बार हुआ है। आज तक कभी किसी ने कार्यक्रम नहीं करवाया और देखिए खासकर हम महिलाओं ने कोई कार्यक्रम नहीं किया, लेकिन हमें बहुत अच्छा लगा हमारे ब्लॉक में कार्यक्रम रखवाया।
है, जन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, आम जन से जुड़े हुए हैं, आज बहुत सारी समस्याएं हुई। ये बात मैं दोबारा भी बोल रहा हूँ कि ब्लॉक के द्वारा माननीय प्रमुख जी के द्वारा जो इस तरह का कार्यक्रम हो रहा है, ये पहला कार्यक्रम हम देख रहे हैं, नहीं तो इस तरह के जनता दरबार यहाँ हुए नहीं। जो हमारे भाई लोग बाहर चले गए थे रोजगार करने के लिए, अब घर आ गए हैं, क्योंकि भाई रोजगार की दिक्कत होगी, अपने हम कमाने खाने बाहर जाते हैं हम लोग, तो हमारे पे कुछ यहाँ साधन है नहीं, तो अब हम लोग घर में आ गए, तो उन लोगों की जो समस्याएं थी प्रवासी भाइयों की और हमारे जो बाहर गए थे भाई उनकी समस्याएं थी और हम लोगों की लोकल समस्याएं थी, तो इसलिए मैंने अब न्याय पंचायत स्तर पे ये प्रोग्राम रखे हैं और हर न्याय पंचायत पे हम ये कार्रवाई कर रहे हैं। जो छोटी छोटी समस्याएं हैं वो हम यहाँ पे निराकरण कर रहे हैं, आप देख भी रहे होंगे, और उसके बाद हम जिले लेवल पे और शासन लेवल पे। चारधाम यात्राओं की व्यवस्थाओं के दृष्टिगत पुलिस महानिरीक्षक अभिनव कुमार के द्वारा गढ़वाल परिक्षेत्र में यात्रा कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया जा रहा है। इसी कड़ी में उन्होंने रुद्रप्रयाग में केदारनाथ धाम का भ्रमण कर रुद्रप्रयाग पुलिस के अधिकारियों के साथ बैठक की और जानकारी ली। उन्होंने यात्रा व्यवस्थाओं के साथ साथ महिला अपराध साइबर के प्रति तत्परता दिखाने के निर्देश भी दिए। इसके अलावा उन्होंने कोरोना से खुद को बचाने के साथ ही आम जन मानस को भी प्रेरित करने के निर्देश दिए। और आज जनपद रुद्रप्रयाग मुख्यालय में एसपी साहब से उनके सभी सर्कल ऑफिसर्स के साथ सभी थानाध्यक्षों के साथ मीटिंग भी हुई, जिसमें अलग अलग विषयों पर चर्चा हुई। उन्होंने यहाँ के अपराध की स्थिति के बारे में, कानून व्यवस्था के बारे में मुझे अवगत कराया। और मेरे द्वारा भी जो अभी लगातार कोविड की चुनौतियाँ हैं, जो चारधाम यात्रियों की यात्रा की चुनौतियाँ हैं। टिहरी में विभिन्न कंपनियों के मोबाइल टावरों में तैनात टावर गार्ड श्रमिकों ने समस्याओं को लेकर डीएम को ज्ञापन भेजा और कार्रवाई की मांग की। उनका कहना कि श्रम कानूनों के अनुसार उन्हें भी मानदेय दिया जाए। मांगे हल न करने पर उन्होंने आंदोलन की चेतावनी भी दी। आपको बता दें कि रविवार को टावर साइट गार्ड्स एवं टावर साइट ऑनर्स यूनियन से जुड़े टावर गार्ड श्रमिकों की एक होटल में बैठक आयोजित की गई, जिसमें 6 सूत्रीय मांगों को हल करने की मांग की गई। हमारी बैठक की ये हिसाब की जो है, हम आज जो है 2008-09 से यहाँ पे काम कर रहे हैं और काम कर रहे हैं, तो इसका हमारे पास कोई ऐसा पर्चे नहीं है कि हम वाकई में टावर पे काम कर रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि जैसे हमारे आज की डेट में ये श्रम कानून के अंतर्गत जो हम वेतन मान दिया जाता है, उससे हमें हटके जो है मात्र 100 रुपये पर डे के हिसाब से मिलता है, जबकि 24 घंटे की ड्यूटी है। इसमें न कोई होली की छुट्टी है, न कोई दिवाली की छुट्टी है, न कोई संडे है, न कोई इतवार है। प्रशासन की बैठक रखी है, उसमें हमने गार्डों की समस्या के बारे में बैठक रखी है, उन लोगों की समस्या के बारे में रखी, क्योंकि जो यहाँ पे जो टावर लगे हैं टिहरी गढ़वाल में एयरटेल आइडिया बूढ़ा के, इसको संचालन करता है इंडस्ट टावर नोएडा, इसके अंतर्गत कार्यदायी जो एक कंपनी वेंडर रखे हॉकाई कंपनी, उसका संचालन देहरादून से होता है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे गार्ड यहाँ पे नौकरी करते हैं टावरों में, उनको श्रम कानून के विरोध में वेतन दिया जाता है, जैसे कि 100 रुपये प्रति दिन के हिसाब से, जबकि हमारे गार्ड पर 24 घंटे की नौकरी करते हैं। बागेश्वर जिले में एसओजी और कपकोट थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली। पुलिस ने एक वन्यजीव तस्कर को धर दबोचा। पुलिस के द्वारा तस्कर से 230 ग्राम भालू की 2 पित्तियां, 23 ग्राम कस्तूरी, जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 1 करोड़ बताई जा रही है, बरामद किया गया। पुलिस ने वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है। अभियुक्त गिरफ्तार कर अल्मोड़ा जेल भेज दिया गया है। कबीर जी सूचना पर कल कपकोट थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, जिसका नाम प्रवीण सिंह है, काफी कमेड़ा गाँव कपकोट थाना क्षेत्र का रहने वाला है। उसके पास से कस्तूरी मृका कस्तूरी लगभग 23 ग्राम और भालू के 2 पित्त, जिनका वजन लगभग 225 ग्राम है, वो बरामद किया गया। जोशीमठ के मल्ली टंगनी के ग्रामीणों को पैदल चलकर नहीं जाना पड़ेगा। पीएमजीएसवाई के द्वारा लगभग 4.5 किलोमीटर सड़क निर्माण का काम शुरू हो चुका है। रविवार को विधायक प्रतिनिधि के द्वारा मल्ली टंगनी सड़क निर्माण का भूमि पूजन किया गया, जिससे पूरे गांव में खुशी का माहौल है। आभार प्रकट करता हूँ कि काफी वर्षों के उपरांत आज हमारा गाँव सड़क मार्ग से जुड़ने जा रहा है। सबसे पहले तो मैं उनके कार्यकाल के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि उनके रहते हुए आज हमारा गांव टूटर मार्ग से जुड़ने जा रहा है। आज हमारे टंगनी मल्ली में बहुत खुशी का माहौल है, क्योंकि बहुत सालों के संघर्ष के बाद आज हमारे गांव में सड़क का उद्घाटन हुआ है और आज से हमारे यहां काम चालू हो गया है। बहुत खुशी का माहौल हमारे गांव में है, छोटे से बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्गों तक बहुत खुशी का माहौल। देखिए जो आज यहाँ पे सड़क मार्ग का जो यहाँ शुभारम्भ हो रहा है, ये हमारे जोशीमठ के सीमांत ब्लॉक जोशीमठ का एक हमारा टंगनी गांव है, दो गांव है, एक नीचे टंगनी और ऊपर मल्ली टंगनी, वहाँ पर ये रोड का शुभारम्भ हो रहा है और लगभग 4 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ये रोड यहाँ पे बहुत पहले बन जाती थी, गाँव वाले काफ़ी प्रयासरत हैं, जितने हमारे यहाँ के क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं
हमारे यहाँ के महिला लोग हैं, हमारे जो प्रधान लोग हैं, पूर्व प्रधान लोग हैं, सब लोगों ने काफी प्रयास किया। तो आपने देखा उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें रही। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर होंगे उत्तराखंड की कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए संवाद 365 के साथ। नमस्कार।